दोस्तों आप तो जानते हैं 2020 हम इंसानों के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है और दूसरी तरफ हमारी धरती पर आए दिन नए नए एस्ट्रॉइड के खतरे मंडरा रहे हैं। और नासा ने भी इस साल के शुरुआत में ही अनाउंस कर दिया था कि 2020 में टोटल 22 एस्ट्रॉइड हमारी धरती के ऑर्बिट से गुजरने वाले हैं। उसमें से एक एस्ट्रॉइड 6 जून को हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है और इसी के साथ एक बार फिर हमारी धरती पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अब तक का धरती पर खोजा गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे और इतना सा दिखने वाला एस्ट्रॉइड 70 टन से भी ज्यादा भारी है। और दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने इससे धरती पर जिस जगह पर खोजा गया वहां पर एक विशाल खड्डा बन चुका था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं छोटा सा एस्ट्रॉइड कितना बड़ा खड्डा बना सकता है और हमारी धरती को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और हमारे वैज्ञानिक इसी तरह के एक एस्ट्रॉइड को लेकर काफी चिंता में है। जी हाँ दोस्तों, 6 जून को एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है जिसका नाम है 2002 NN4। जी हाँ दोस्तों, इस एस्ट्रॉइड को 2002 में खोजा गया था और इस एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट पीरियड के अनुसार यह 6 जून को सुबह 6:55 पर हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा इस एस्ट्रॉइड पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं, जिसके अनुसार यह एस्ट्रॉइड 39,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो 6 जून को सुबह के वक्त इसकी दूरी हमारी धरती से बेहद कम होगी। दोस्तों हम आपको बता दें, नासा के मुताबिक वर्तमान समय में यह एस्ट्रॉइड हमारी धरती से 70 लाख किलोमीटर दूर है और 39,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 2 दिनों में यह एस्ट्रॉइड करीब 20 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेगा और 6 जून को यह एस्ट्रॉइड हमारी धरती से 50 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने की आशंका है और 6 जून की सुबह में यह एस्ट्रॉइड हमारी धरती के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों 2002 NN4 नामक इस एस्ट्रॉइड का आकार, वैज्ञानिकों ने इसका आकार की तुलना फुटबॉल के मैदान से की है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह यह एस्ट्रॉइड आगे बढ़ता रहा तो 6 जून को हमारी धरती से 50 लाख किलोमीटर दूरी से गुजर जाएगा, जिससे हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और जाते जाते हमारे वीडियो को एक लाइक।